नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आज हमारे सामने इस्कॉन नोएडा के वॉइस प्रेसिडेंट श्याम प्रभु जी बैठे हैं, और इनका परिचय तो आप सभी जानते हैं, तो प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत प्रभु। हरे कृष्णा। और प्रभु जी से आज हम कुछ सवाल पूछेंगे जो कि आपके मन के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके सवाल प्रभु जी के माध्यम से हम उत्तर लेते हैं। तो चलिए प्रभु जी से प्रश्न करते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रभु जी, दरअसल क्या है कि आजकल लड़की कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, और लड़का कहता है तुम्हें पता ही नहीं प्यार होता क्या, तुम भी नहीं समझती प्यार क्या। तो आपस में ना रिलेशनशिप बड़ा ही खतरनाक हो रहा है और आपस में खूब फाइटिंग हो रही है, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है, प्यार असली में होता क्या है, व्हाट इज द लव। तो ये किसी को आज सब भ्रम में जी रहे हैं, सब अट्रैक्शन में जी रहे हैं, प्यार वाकई होता क्या है। तो लव या प्रेम जो शब्द है, तो शास्त्रों में बताया गया कि इमोशंस का एक्सचेंज है ये, और ये हाईएस्ट लेवल का एक्सचेंज है। अच्छा। ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस का हाईएस्ट एक्सचेंज वो लव होता है, और जो उसमें एक एक्सचेंज होता है, लस्टफुल एक्सचेंजेस होते हैं, वो एक मिनिमल अफेयर है उसका। तो ज़्यादातर लोग इसी स्तर तक रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ फिजिकल एक्सचेंज होता है, फिजिकल रिलेशन। जी, रिलेशन मीन्स एक्सचेंज। जी, तो कुछ फिजिकल एक्सचेंज होता है, थोड़ा उसमें इमोशनल एक्सचेंज होता है, लेकिन जो वांट है लव का, वो है स्पिरिचुअल एक्सचेंज। इतने से काम नहीं होगा। इतने से अगर कोई सोचे कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, कोई लड़की सोचे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, या लड़का सोचे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो जिस तरह के लव की डिमांड है वो सोल के लेवल पे होती है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सचेंज जब होता है वो भगवान के साथ हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम रेडी नहीं हैं तो इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। तो जो एक्सचेंजेस हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। प्रेम का मतलब समझना होगा। प्रेम का मतलब है सर्विस, सेवा। मुझे कुछ चाहिए तो ये प्रेम नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो क्या ये प्रेम है? ये तो बिजनेस है। मुझे आपसे चाहिए, आपको मुझसे चाहिए, तो ये प्रेम थोड़ा ही कहलाएगा। ये एक्सचेंज का लेवल जब बढ़ेगा तो फिर हम प्रेम पे पहुंचते हैं। तो ये लेवल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। अपने इमोशंस को होल्ड करना सीखना होगा, अपने माइंड को होल्ड करना सीखना होगा, दूसरों को समझने का सीखना पड़ेगा। तो पहले तो खुद तो स्थिर रहें। प्रॉब्लम यह है कि हमें दूसरे से चाहिए तो हम खुद अस्थिर हैं। तो इसको कहते हैं काम। तो क्वालिटी इसमें और बढ़ने की ज़रूरत है। ये एक्सचेंजेस और डेप्थ में होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये मटेरियल टाइप के ही हैं, हमें ये चाहिए, आपको वो चाहिए, तो फिर ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। तो आत्मा का मिलन ही प्रेम कहलाता है, और वो आत्मा का मिलन सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से ही संभव हो पाएगा। अगर आप भक्ति में जुड़ते हैं तो वही असली मायने में वही प्रेम कहलाता है। बाकी जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप एक इमोशनल एक्सचेंज रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी व्यक्ति से, तो वो एक आपके लिए एक ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट के साथ आपका जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो फिर आपका प्रेम वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये मटेरियलिस्टिक लव को आप अगर प्रेम कहते हैं तो कृपया करके इसे प्रेम न कहें, ये लस्ट ही कहलाएगा। और अगर प्रेम करना ही है वाकई, तो कृष्ण भगवान की भक्ति के साथ ही आपका प्रेम सफल हो पाए। क्यों प्रभु जी? बिल्कुल।